सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले। नमस्कार, मैं हूं राजीव रंजन और आप देख रहे हैं जनादेश न्यूज। 3 नवंबर को छठे चरण में हुए चुनाव को लेकर आज मतगणना की प्रक्रिया चल रही है। नालंदा जिला मुख्यालय बिहार शरीफ स्थित नालंदा कॉलेज में मतगणना केंद्र बनाया गया है। हम लगातार रिजल्ट से जुड़ी तमाम अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं। हम आपको बताते चले कि बिहार शरीफ सदर और परवलपुर प्रखंड में छठे चरण में चुनाव हुआ था, जिसमें कुल 23 पंचायतों में चुनाव कराया गया था। परवलपुर प्रखंड के कुल 5 पंचायतों का रिजल्ट जारी हो गया है, जिसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। मुखिया पद की गिनती संपन्न हो गई है और किस पंचायत से कौन विजयी हुए हैं वो पूरी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। परवलपुर प्रखंड के पिल्लिच पंचायत से पुराने मुखिया जो राजेंद्र ताती हैं, उन्हें 2426 वोट मिला, जबकि राकेश कुमार को 2114 वोट मिला। और इस तरह से राजेंद्र ताती हैं वो 312 वोट से चुनाव जीत गए। वहीं अलावा पंचायत से वाल्मीकि सिंह को 2526 वोट मिला, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंदी अभिनय प्रसाद को 1579 वोट प्राप्त हुआ और 947 वोट से वाल्मीकि सिंह चुनाव जीत गए। जबकि मई पंचायत से नूतन कुमारी को 1662 वोट प्राप्त हुआ और रीता देवी को 1339 वोट प्राप्त हुआ। और इस तरह से मई पंचायत में 323 वोट से नूतन कुमारी चुनाव जीत गई। वहीं अगर चौसंडा पंचायत की बात कर लें तो चौसंडा पंचायत से मनोज प्रसाद इस बार चुनाव जीत गए और पुराने मुखिया राजकुमार भारती चुनाव हार गए हैं। मनोज प्रसाद को 1628 वोट प्राप्त हुआ, जबकि राजकुमार भारती उर्फ राजा मुखिया को 1547 वोट प्राप्त हुआ और 81 वोट से दोनों के बीच चुनाव का अंतर रहा। वहीं शिवनगर पंचायत की अगर हम बात कर लें तो शिवनगर पंचायत से अशोक साव नए मुखिया बने, जिन्हें 2553 वोट प्राप्त हुआ, जबकि धनंजय प्रसाद को 1884 वोट प्राप्त हुआ। और इस तरह से शिवनगर पंचायत से 669 वोट से जो चुनाव का जीत का अंतर है। आप हमारे पीछे की तस्वीर देख सकते हैं, ये नालंदा कॉलेज मतगणना केंद्र का नज़ारा है। सभी प्रत्याशी और उनके जो समर्थक हैं, कुछ कुछ जो नालंदा कॉलेज में जिन्हें पास निर्गत किया गया था वो पहुंचे हैं। जो जीते हैं उनके चेहरों पर खुशी देखी जा रही है और जो चुनाव हार गए हैं उनके चेहरों पर कहीं ना कहीं नाराजगी साफ झलक रही है। दोस्तों, लगातार हम चुनाव से जुड़ी तमाम अपडेट्स आप तक पहुँचा रहे हैं। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए और पाइए बिहार की तमाम छोटी बड़ी खबरें। अगर वीडियो Facebook पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को भी फॉलो कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले।